प्रीवियसली दो सेशंस तक आर स्टूडियो या आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने देखा आर क्या है और उसके डेटा टाइप्स क्या है। अब हम फर्दर आगे चलेंगे और सबसे पहले तो हम इस सेशन के अंदर ये समझते हैं कि आर स्टूडियो में हम यूज़र से इनपुट यानी प्रॉम्प्ट बेट या बेस या रीड लाइन बेस यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं, उसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये तो कुछ हमारे पास ऑलरेडी प्रीवियस वाला काम है, लिहाजा मैं इसे कंट्रोल ए करके यहाँ से डिलीट करता हूँ। और ये हमारा जो कॉन्सोल एरिया, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके कंट्रोल के साथ आप एल प्रेस करेंगे, ये क्लीन हो जाएगा। वेरिएबल के लिए ये ब्रश साइन यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। क्लियर ऑब्जेक्ट फ्रॉम वर्क प्लेस, इस पर आप क्लिक करोगे, वार्निंग आएगी, यस करोगे, वो क्लीन हो जाएगा, ठीक है। पैकेज तो हमने कोई यूज़ ही नहीं किया। तो वेरिएबल लेने आई मीन डेटा यूज़र से लेने के लिए वेरिएबल में ज़ाहिर सी बात है वैल्यू सेव होगी। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ माई नेम के नाम से, और इसमें हम सबसे पहले रीड कराते हैं रीड लाइन। तो रीड लाइन का मतलब ये है कि प्रॉम्प्ट बेस, अभी मैं बताता हूँ प्रॉम्प्ट क्या चीज़ है। तो मैं यूज़र से जो भी इनपुट लूँगा पूरी लाइन पर, वो एज अ वेरिएबल माई नेम पर सेव हो जाएगा, और उसके बाद मैं उसे डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट माई नेम, दैट्स इट, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया। जैसे मैंने प्रेस किया, आप देख रहे हैं कि ये नेम वाला एरिया यहाँ पर ब्लैंक है और कंसोल रेडी है। मैंने यहाँ पे लिखा फहद और एंटर प्रेस किया, फहद नॉट फाउंड। अच्छा, अब यहाँ पर एरर क्या है? कोड में कोई मसला नहीं है, एग्जीक्यूशन में मसला है, ठीक है। और अभी इसका डिफरेंस लास्ट तक हमें समझ में भी आ जाएगा। जब आप आर स्टूडियो में यूज़र से इनपुट लेते हो, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन दोनों की एक साथ हुई, जब दोनों की एक साथ हुई तो प्रिंट माई नेम वेरिएबल पर उसे कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तो उसको वो ये वर्ड ही फाउंड नहीं होता हुआ दिख रहा है। लिहाजा हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट करनी होगी कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते हुए। जब मैंने यहाँ पर फहद लिखकर एंटर प्रेस किया, तो अब देखो यहाँ पर वेरिएबल पर ये नाम सेव हो गया। अब जब ये नाम सेव हो गया, अब मैं इसे प्रिंट करवा सकता हूँ। तो मैंने इसे एग्जीक्यूट किया कंट्रोल एंटर के साथ, नेम डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आर स्टूडियो के अंदर अगर आप मल्टी वैल्यूज़ यूज़र से ले रहे हैं, तो आपको एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट करके यूज़र से लेनी होगी। लेकिन इसका जैक हमारे पास ये है कि हम मल्टी यूज़र नेम कॉन्सोल बेस्ड आर स्टूडियो के लिए या आर प्रोग्रामिंग के लिए कोल ऐप पर ले सकते हैं। कैसे? पहले तो मैं तमाम चीज़ों को प्रॉम्प्ट बेस्ड यहाँ लिखता हूँ कि प्रॉम्प्ट क्या है। अच्छा, प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हम यूज़र को इन टर्म ऑफ दी स्टेटमेंट बता सकें कि आपने क्या एंटर करना है, ठीक है। जैसे प्रॉम्प्ट पे मैंने कह दिया एंटर योर नेम, तो यूज़र को ये दिखेगा। इसी तरह से एज, जेंडर, वट एवर, जो जो चीज़ें आप लेना चाह रहे हो, तो सेम लॉजिकली होगी, बस ये प्रॉम्प्ट बेस उसको यूज़र को दिखेगा। तो मैंने दोबारा इस लाइन को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट किया। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा रहा है एंटर योर नेम, और उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया अली, ठीक है। एंटर प्रेस किया, ओप्स सॉरी नॉट दिस वन, ठीक है, अली इज़ नॉट एक्सेप्टेड ना, तो डबल आई मुझे लिखना पड़ा क्योंकि वो अलियास की तरफ जा रहा है। तो उसके बाद मैंने इसको जब एग्जीक्यूट किया, तो आप देखें वो नाम लिखा आ गया। तो यानी कोई फ़र्क नहीं है उस चीज़ में, प्रॉम्प्ट सिर्फ यूज़र को इंस्पायर कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र से नेम भी लूँ, एज भी लूँ और जेंडर भी लूँ। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैंने इसे कह दिया जेंडर और यहाँ मैंने कह दिया एज। तो मैंने इसे कर दिया एज, इसे मैंने कर दिया जेंडर, गोइंग टू और जेंडर एंड देन एज, एंड सिमिलरली आई एम गोइंग टू डिस्प्ले द थ्री थिंग। ठीक है, तो सेम लॉजिक होगी, पहले आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, फिर ऐसे इसे करोगे, ऐसे एंड सो ऑन। अब एज के लिए हम उसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं कि यूज़र से जो भी एज यूज़र नंबर में डिस्प्ले करेगा, हम उसे इंटीजर में कन्वर्ट करवा देंगे। तो इसके लिए मैंने एक वाई वेरिएबल बनाया और उसमें कहा मैंने एस डॉट इंटीजर, और किसे मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करवाना है, माई एज को। और जब ये माई एज वेरिएबल पे कन्वर्ट हो गया, तो मैं वाई को ही क्यों इस्तेमाल करूँ, मैं दोबारा से चाहूँ तो रिप्लेस भी कर सकता हूँ अपने वेरिएबल को। तो माई एज वेरिएबल को ही मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करवा के यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। तो ओवरऑल ये लॉजिक हमारी रेडी हो चुकी है। अगर आप प्रॉपरली इसको वैसे ही देखना चाहते हो जिस तरह नॉर्मली किसी स्क्रीन या यूआई बेस्ड प्रोग्राम में होता है, तो मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यूजिंग दिस लिंक, ये जो हमने यहाँ पर लिंक लिखा हुआ था, ये हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैं ऐड करूँगा इस लिंक को। इस लिंक पर आप क्लिक करके कोलैब पर जाओगे, वैलिड यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन हो गए, तो आपके पास ये आर स्टूडियो का जुपिटर नोटबुक आ जाएगा ऑनलाइन कोलैब पर। उसके बाद आप इंसर्ट से कुछ कोड को ऐड करवा लें।
मैंने इस कोड चंक में यहाँ पर अपने पूरे कोड को पेस्ट कर लिया सेम लॉजिक के साथ, और उसके बाद मैं कंट्रोल एंटर से इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। देखो जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, सबसे पूछा जा रहा है पहले नेम, तो मैंने यहाँ लिखा अली, एंटर। उसके बाद दूसरी स्क्रीन जेंडर की आ गई, मैंने लिखा मेल, एंटर। उसके बाद एज, मैंने यहाँ लिखा 45, एंटर। तीनों चीज़ें मैंने ऐड की, तीनों चीज़ें डिस्प्ले होने के बाद यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, एंड दैट्स इट। तो मैंने ऑफलाइन करने का तरीका भी बता दिया आपको कि ऑफलाइन पर आप रीड लाइन या प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए यूज़र से डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ कैसे ले सकते हो, फोर्सली कन्वर्ट कैसे करवा सकते हो और उसे डिस्प्ले कैसे करवा सकते हो, वो हमने यहाँ पर देखा। तो आप ऑफलाइन पर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी, और अगर ऑनलाइन कोलैब पर करना चाहते हैं तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं।